आपको गा के बताता हूँ। ये बच्चा जो है अखिलेश भैया को देखने के लिए उतारू है, कर बोल दो अपना नारा। एकदम बम्पर 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 आ रहे हैं, आ रहे हैं करके दिखाओ भैया। बेरोजगारी के बाद पे इतनी बेरोजगारी यूपी में फैल गई, इसके वजह से अखिलेश भैया को लाना जरूरी है। अच्छा। नहीं तो बेरोजगारी से जवान नौजवानों को अपना आंदोलन करने का भी हक खो दिए और सरकार नहीं आई तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। सरकार नहीं आई तो लोकतंत्र खतरे में है भैया। आ रहे हैं, ये डंके की चोट पे है। ये देखो बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी, किसानों के साथ इतना अन्याय, सब कहाँ जाएगा? कौन 750 किसानों का हत्या का, वही किसान आपको पाकिस्तानी खालिस्तानी नजर आते थे तो आप उससे माफी मांगे हैं। मोदी जी 18-18 ड्यूटी मेहनत करके, मोदी जी 18-18 घंटा मेहनत करके पेट्रोल को 100 रुपया कर दिया। मोदी जी 18-18 घंटा करके 450 रुपया का सिलेंडर 1000 का कर दिया। मोदी जी ने 18-18 घंटा करके 90 रुपया का, 90 रुपया लीटर का तेल जो है 200 रुपया कर दिया। ना हमको मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, हमको रोटी चाहिए। अच्छा, रोजगार चाहिए, रोजगार हमको, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, हमको रोटी चाहिए। अच्छा। हम बहुत गरीब है, मेरे टीने का घर है। अगर आप, अगर आप, आपको नहीं पता है, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर का टीना टूटा है। सौरभ श्रीवास्तव की वाईफाई, मेरे घर में लाइट नहीं है। अगर आपको नहीं फिलीप है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर में लाइट नहीं है। सौरभ श्रीवास्तव की वाईफाई, तो हमने ये शिकायत तो ये बताओ, इस बार अखिलेश यादव की जो है कितनी सीट आ रही है? अखिलेश जी को लाना है भैया। एक साथ अखिलेश की ऐसी लहर चल रही है, गृह मंत्री को डोर टू डोर जाना पड़ रहा है। अखिलेश जी को लाना है, इसलिए कि जो हम लोगों ने शपथ ले लिया, अखिलेश यादव को लाना है, और नहीं तो चाय की दुकान खोल लेना है, रोजगार नहीं मिलना है, नहीं मिलना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये गंगा सफाई की बात करते हैं, गोमती नदी से अच्छा किनारा पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस अच्छी रोड के नाम बता दें, जो काम की बात करते हैं, 5 किलो अनाज देके 5 क्विंटल ये साड़ों से चढ़वा दे रहे हैं। तो आज ये भाजपा की सरकार है। आज मेरे घर में बिजली नहीं है, मेरे चाचा के घर में बिजली नहीं है, ये कैसी सरकार है भाई? मैं आपको गा के बताता हूँ। ये बच्चा जो है अखिलेश भैया को देखने के लिए उतारू है, कर बोल दो अपना नारा। मैं अखिलेश भैया के लिए गाना गाऊंगा। अरे सुना बहिनी हो, सुना भैया हो, हाथी जोड़ी ले पड़ी पैया हो, और फिर से सीएम बनेंगे अखिलेश भैया, हम सब ने ये ठाना है। अरे सीधे साइकिल का बटन दबाना है भैया, अरे सीधे साइकिल का बटन दबाना है, अखिलेश भैया को जिताना है। Yeah!
चप्पा चप्पा दिखा मेला में भैया यादव का काफिला जो है वो ये रथ है, आप देख सकते हैं रथ चौक पे अखिलेश यादव अपने रथ में मौजूद है और अखिलेश यादव बनारस पहुंच चुके हैं। पब्लिक का हुजूम देख सकते हैं आप लोग, मार्च को अखिलेश आएंगे। जैसे जैसे गाना बज रहा है नीचे पब्लिक भी यही बात कह रही है। अखिलेश आ गया, ऊपर लाओ जल्दी से। अखिलेश यादव का जो रथ है वो चौक से निकल रहा है और गाड़ियों पब्लिक का हुजूम है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है और अखिलेश का जो ये रथ है, ये अखिलेश का रथ यहाँ से निकल के जा रहा है। एक झलक पाने के लिए अखिलेश की यहाँ सब बेचैन है, सब बेताब है। में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे, ऐसे गाना जो है उनके रथ में चलता रहता है और जितने भी वाराणसी विधानसभा के विधायक हैं वो सब रथ में मौजूद हैं। लोगों का एक हुजूम है जो यहाँ पर अखिलेश की गाड़ी के चारों तरफ इकट्ठा हुआ है। ये पब्लिक बता रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को परिवर्तन हो सकता है।
अखिलेश यादव का रोड शो है, वाराणसी में है और बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं। मैंने बात भी की थी बहुत लोगों से, उन्होंने बताया थी कि इस तरह का जो एक मसला है। जारी है साइकिल।